जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं स्वामी राजर्षि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ और एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखता हूँ। 10 वर्ष की आयु से ही मैं अपने पूज्य पिताश्री गुरु रजनीश ऋषि जी के निर्देशन में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एवं दंत ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है जिसके सिद्धांतों को हमारे ऋषि मुनियों ने वर्षों की तपस्या से और रिसर्च कर हमारे धर्म शास्त्रों में अंकित किया है। मैं आज इन्हीं वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर और आज के ग्रह नक्षत्रों की स्थितियों के आधार पर आपको आपका राशिफल बताने जा रहा हूं। तो क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें क्या ना करें, किन चीजों से सावधान रहना है, यह सब जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए आज का राशिफल। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछले एक साल में जो हमने आपसे जो प्यार पाया है, जो आपने अपने स्नेह और आशीर्वाद हमें दिया है, जिस कारण आज हम 50,000 सब्सक्राइबर से सीधे 10,00,000 सब्सक्राइबर्स की जो आंकड़ा है उसको पार कर चुके हैं, उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। प्रिय भक्तगणों, ऐसे ही आप सभी हमें अपना प्यार देते रहें और हमारी वीडियोस को पसंद करते रहें, यही हमारी आशा है। जिन भी भक्तगणों ने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा अनुरोध है कि वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो उन तक सबसे पहले पहुंच सके। साथ ही साथ मैं आज आप सभी को ये वचन देता हूं कि जो भी व्यक्ति हमारी इस वीडियो को लाइक करेंगे, उसको शेयर करेंगे, उस पर अपना नाम लिख के कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, उन सभी के लिए हम कल अपनी मुख्य पूजा में भगवान विष्णु जी से और माता मां लक्ष्मी जी से प्रार्थना करेंगे कि आपके घर परिवार में, आपके जीवन में हमेशा ही सुख समृद्धि बनी रहे। मैं आशा करता हूं कि आप भारी से भारी संख्या में अपना कमेंट्स के माध्यम से हमें प्यार इस वीडियो को अवश्य ही दें। आज 5 सितंबर 2019 दिन गुरुवार, भाद्रपद मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है और आज सप्तमी तिथि शाम 8:49 तक रहेगी और उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाएगी। आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:55 से लेकर 12:45 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। आज राहु काल दोपहर 1:53 से लेकर दोपहर 3:27 तक रहेगा। इस दौरान आप किसी भी शुभ कार्य को करने से परहेज करें। प्रिय भक्तगणों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज टीचर्स डे है, यानी कि आपके अध्यापकों का दिन है और आज ऐसे अवसर पर आपको निश्चित तौर पर अपने टीचर्स के पास जाकर, अपने गुरुओं के पास जाकर उनसे भेंट करनी चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए और उनसे विनम्र अनुरोध करना चाहिए कि ऐसे ही सदैव वो आपको आपके जीवन के हर कठिन स्थिति में गाइडेंस देते रहें ताकि आपका जीवन सुचारू रूप से चलता रहे। आइए हम जानते हैं कि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज आपकी अर्जित की हुई विद्या आपके लिए मददगार साबित होगी, जिसके बल पर आप मुश्किल से मुश्किल हालातों से भी अपने आप को निकालने में सक्षम होंगे। आज आपके बड़े भाई को भी अपने बिजनेस में लाभ होगा और कुछ ऐसे कार्य भी करेंगे जिनसे समाज में आपके परिवार की इज्जत बढ़ेगी और आपको भी उन पर गर्व होगा और उनसे प्रेरणा मिलेगी। आज अपने ताया जी के घर से भी आपको शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। आज ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में कार्यरत लोगों को भी विशेष लाभ प्राप्ति का योग बनता दिखाई दे रहा है। आज आपकी अपने मित्रों से देश विदेश के हालातों पर गहन चर्चा भी हो सकती है,
जिसमें आपके तर्कों से आपके मित्र भी आपकी समझ से प्रभावित होंगे। अपने बॉस को भी आज आप देश के हालातों और कानूनों को मद्देनजर रखते हुए ऐसी सलाह देंगे जिनसे आपकी कंपनी की ग्रोथ और मार्केट रीच बढ़ सकती है। परंतु आज आपकी माता जी की तबीयत खराब हो सकती है जिससे आपको आज तनाव हो सकता है। सरकारी कर्मचारियों को भी उनके तबादले की खबर प्राप्त हो सकती है जिसकी तैयारी हेतु आपके काम बढ़ जाएंगे और आप शारीरिक थकान के शिकार हो सकते हैं। अपने लाइफ पार्टनर से भी आज आपकी किसी बात पर तू तू मैं हो सकती है। आज व्रत रखना आपके लिए शुभ होगा। आज सफेद कुत्ते को भोजन कराने से आपके व्यापार में बढ़ोतरी होगी। मकर राशि वालों, अगर आपके पास अपनी कार नहीं है और आप अपने सपनों की कार जल्द से जल्द खरीदना चाहते हैं तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित मूंगे की अंगूठी अवश्य ही धारण करनी चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनी शिष्य जी द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए। और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 2 स्टार देता हूं। भक्तगणों, इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपका या आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे हैं, या नौकरी मिलने में समस्या हो रही है, या नौकरी तो मिल गई है पर प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, इनकम से ज्यादा खर्चा हो जाता है, ट्रांसफर हो रहे हैं, शादी नहीं हो पा रही है, या आपका अपना घर नहीं बन पा रहा है, आपका जो व्यापार है उसमें वृद्धि नहीं आ पा रही है, आपके पास धन की कमी बनी रहती है, या आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, आप हर समय बीमार रहते हैं, या आपके बच्चे बीमार रहते हैं, या अन्य ऐसी किसी भी समस्या से आप पीड़ित हैं, तो आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर, हमारी वेबसाइट पर जाकर, या ईमेल के माध्यम से, या व्हाट्सएप वीडियो कॉल के द्वारा गुरु रजनीश ऋषि जी से, या गुरु मां रुक्मणी जी से, या न्यूमरोलॉजी के माध्यम से अपने लिए या अपने बच्चों के लिए एक लकी नाम जानने के लिए, अपने व्यापार के लिए एक भाग्यशाली नाम जानने के लिए, जिससे कि आप दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करें, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक छोटी सी फीस जरूर देनी होगी, जिसका प्रयोग शनिपीठ मंदिर की व्यवस्था चलाने के लिए, हमारे द्वारा गरीब लड़कियों के लिए फ्री कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाने के लिए, घर कर्म के काम जैसे कि यज्ञों महायज्ञों के आयोजन के लिए, प्रसाद एवं लंगर के वितरण के लिए किया जाता है। आपके द्वारा दी गई इसी फीस में से हम अगले दिन प्रमुख रूप से आपके नाम से आपके लिए पूजा अवश्य करते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो चमत्कारी उपाय जिसे करने से यदि आज आप किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं जिसमें आपके फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा पड़ना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आज आप अपने आकर्षण में वृद्धि कर सकते हैं और लोगों को पहली ही नजर में इंप्रेस कर सकते हैं। आज आप घर से निकलने से पूर्व मोर की कलगी को पीले रेशम के कपड़े में बांधकर अपने साथ रखकर ले जाएं। इससे निश्चित तौर पर आप लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे और आज आप अभूतपूर्व फायदा महसूस करेंगे। Namaste. My name is Kiran and I'm from South Africa. I'm actually a tarot reader in South Africa and I also have been on the local TV programs and newspapers, and I will always visit India to visit Guru Rajneesh Rishi Ji. My experience with Guru Rajneesh Rishi Ji was when I was going through troubled times. This was way back in 2013. And I was searching online, and I've been to many of them, many spiritual leaders who I've sought help from, but none of them came, could help me out. So I went online and started searching for somebody who's genuine and strong in the background of astrology, and that's when I came across Guru Rajneesh Rishiji's website, and he gave me everything in detail, and with his blessings I was able to go forward. And afterwards, a lot of problems were solved. And whenever there's any issue that comes up, be it with me or my family
All I do is close my eyes and call upon him, and I meditate upon him, and he does appear in the dreams. And those signs and symbols that he gives you in the dreams actually help you to move forward in life. Using his gem rings actually bring about a lot of positivity in your life, and it enhances your life in every aspect. Not only does he tell you to use the gem rings, but he also gives you other remedies as well. And together with the blessings of Guru Maharaj Rukmaniji, I also was able to go forward. And also at Shani Peeth, there's a lot of strength and power that comes out from the pujas that happen, because even with the Navgraha Shanti Puja that I performed with Guruji and Guru Maharaj, it actually changed life a lot for me, because it brought about a whole lot of new beginnings, new understandings, and also it brings about a whole lot of light in life. So I would recommend visiting Shani Peeth at any point in time, because it's a place that you will definitely get genuine help from. Kya aapke bacche ka man padhai likhai mein nahi lag raha? क्या आपका बच्चा होमवर्क करने के बजाय टीवी सीरियल देख करके बिगड़ रहा है? क्या आपका बच्चा किसी बुरी संगत में पढ़कर बिगड़ गया है? तो आज ही 133 देशों में प्रसिद्ध शनि मंदिर वाले परम पूज्य गुरु रजनीश ऋषि जी से अपनी सभी समस्याओं का समाधान जानिए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें